प्रोग्राम भी बहुत अच्छा आता है। इधर जो जो विलेज का एरिया है ना, इसमें खाली बात करने का ही है, बाकी सब जो गरीब आदमी है ना उसका कोई देखने वाला नहीं है। खाली इलेक्शन के टाइम पे सब लोग आते हैं। यहाँ तो सब लोग विदेश में रहते हैं। विदेश में भी रहते हैं, मैं ट्राइबल एरिया की बात कर रहा हूँ। जो ट्राइबल एरिया जो गरीब आदमी है उसका खाली सरकार जितना भी निकालता है योजना, नया नया योजना लाती है सरकार, बाकी वो योजना के अंदर हिसाब से चलता है, लेकिन उसको उतना बराबर से लाभ नहीं मिलता है। फक्त इधर जो है ना गुजरात में ओनली मोदी फैक्टर ही है, बीजेपी ही है, दूसरा कोई है ही नहीं। लेकिन क्या है, मोदी क्यों है? ओनली मोदी ही अच्छा है, वो अपना देश के लिए अच्छा है। इसके लिए हम लोग अपना कंटेस्टन आपको पसंद नहीं है, फिर भी हम लोग मोदी के हिसाब से देते हैं वोट, यही है बात। अच्छा, यही है बात। चाहे कैंडिडेट पसंद ना हो लेकिन फिर भी मोदी देते हैं। मोदी जी के लिए हम लोग देते हैं। बढ़िया, मैं शो देखता हूँ। हाँ, और बहुत अच्छा लगता है जिस तरह से आप बातचीत करते हैं, पूछते हैं, सवाल करते हैं, और हमको अच्छा लगता है। एक ही चलता है यहाँ तो, बीजेपी ही चलता है। एक ही चलता है यहाँ पे बीजेपी। एक चलता है बीजेपी, एक ही चलता। कहाँ के रहने वाले? यहाँ के, यही के, एक ही चलता है बीजेपी। क्यों बीजेपी ने इतना विकास किया, काम किया है इतना बढ़िया। पहले इधर तो खड्डे थे, सभी रास्ते बनाए, सब अच्छा अच्छा डेवलप किया गाँव। गुजराती का फ्लेवर लेना हो तो पाजी एक बार खरवासा जरूर आना चाहिए। आज यहाँ पाजी पूरा गांव, पूरा समाज आमंत्रित है, शादी है, मुंडन है, उसका भोज चल रहा है पाजी। खरवासा वो जगह बारडोली के बिल्कुल यहाँ से बगल में, और 90% लोग जो है पाजी यहाँ पर विदेश में। पाजी ये तो सब जानते हैं, गुजरात का आदमी पूरी दुनिया में मिलता है, दुनिया में जाता, पहले अफ्रीका जाता था, फिर यूरोप, फिर अब अमेरिका। बारडोली से सारे लोग परिचित। लेकिन पाजी मैं यहाँ आपको इसलिए लेके आया कि ये कॉपरेटिव की धरती, पूरी दुनिया में या कहें देश में कॉपरेटिव मूवमेंट क्या होता है, कॉपरेटिव सोसाइटी क्या होता है, तो ये बारडोली के लोगों से समझना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज सब क्या चल रहा है? आज तो मुंडन का सेरेमनी है। मुंडन का सेरेमनी है जी, वाह क्या बात है। तो आपका तो गांव जो है, आपकी जो चर्चा है वो इसलिए होती है क्योंकि आपकी कॉपरेटिव सोसाइटीज जो है बड़ी सक्सेसफुल। किस सन से? लगभग 70-80 साल पुरानी। तो बारडोली के बारे में तो लोग जानते हैं कि यहाँ पे हर आदमी जो है विदेश में है, ये सच है? वो सभी गांव से सभी विदेश में है। सभी विदेश में इस समय नवंबर में सब लोग आते हैं, शादी का माहौल होता है, लेकिन आना जरूर है, गांव में आना जरूर है। गांव में आना, आएंगे जरूर, एक बार आएंगे, जरूर आएंगे, एक बार आएंगे। और शायद इसीलिए डेवलपमेंट हुए गांव के। हाँ, डेफिनेटली। हाँ। लेकिन सबसे पहले यहाँ के लोग कहाँ गए? पहले अफ्रीका गए, उसके बाद वो लोग यूरोप गए, उसके बाद फिर अमेरिका गए। अब अमेरिका का ट्रेंड है? हाँ, अभी वो भी खत्म हो गया। हाँ। उसके बाद कनाडा गए। हाँ। और अभी जो ट्रेंड है। हाँ। वो ऑस्ट्रेलिया का है। क्या बात है पाजी, गजब है, सीखने के लिए गजब है, बताने के लिए। अगर आप मुझे पूछें कि गुजरात में इस समय ट्रेंड क्या चल रहा है, तो ट्रेंड चल रहा है पाजी ऑस्ट्रेलिया का। सबसे पहले आज से लगभग 70-75 साल पहले चला है अफ्रीका का, देन यूरोप, यूरोप खत्म हुआ तो अमेरिका का चाम आया। अब जब अमेरिका का चाम थोड़ा सा ढीला पड़ा तो कनाडा शुरू हुआ, और कनाडा के बाद अब आ गया साहब ऑस्ट्रेलिया। क्या बात है साहब। तो आज आप क्या है? शादी नहीं, मुंडन। मुंडन आज। हाँ। आप क्या है? मेरे ब्रदर के लड़के के लड़के। ब्रदर के लड़के का पूरा समाज पाजी उधर, थोड़ा मेरे पर क्या चेहरा दिखाते हो यार, उधर दिखाओ, पूरा समाज, पूरा गांव बैठा हुआ, पूरे इलाके के लोग। नहीं, पूरे इलाके नहीं, जो संबंधी है, आपके सगे संबंधी है, उन सबको आमंत्रित किया है, और गांव के लोग। गांव के लोग। गुजराती थाली में होता क्या क्या है ये साहब? क्या है? श्रीखंड। ये तो मैं पहचान गया था, तेरी निगाह उसी जगह गई। केसर संगम। केसर संगम, वाह क्या बात है, प्रयागराज में है। रतारपुरी। कौन सी पुरी? रतारपुरी। ये लोचापुरी। लोचापुरी। ये बैंगन। बैंगन। ये कड़ी। कड़ी। कचरा पाजी, गुजराती कड़ी, क्या बात है पाजी। मैं पूछूंगा अभी ऑस्ट्रेलिया में पहुंचे कि नहीं पहुंची, लेकिन पूछूंगा जी। ये वो लोचापुरी है, इसका पुरी है। ये सलाद। सलाद। अच्छा, ये अचार। अच्छा, हाय हाय। तो ये बताइए साहब, सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी, सक्सेस स्टोरी कैसे लिखी जाती है, ये मेरे जानना बहुत जरूरी है। कोऑपरेटिव सेक्टर में
जो मैनेजमेंट के लोग हैं डायरेक्टर वो प्रमाणिक होने चाहिए, वो प्रमाणिक होने चाहिए, सत्यापित होने चाहिए, सच्चे होने चाहिए, ईमानदार होने चाहिए और देश समाज के लिए समर्पित होने चाहिए, पारदर्शक वहीवट होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होने चाहिए। तो ये बताइए, गुजरात में कोऑपरेटिव मूवमेंट इतना सक्सेसफुल हो गया, बाकी जगह क्यों नहीं हो पाया? पब्लिक पे डिपेंड करता है, इधर की पब्लिक ऑनेस्ट है। जी जनाब।